दोस्तों एक अच्छे दिन की शुरुआत अच्छी सुबह के साथ होती है, तो एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत भी बेहतरीन ही होनी चाहिए। वैसे भी भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जिस रास्ते पे चलना उसे आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। आप अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए सबसे पहला कदम खुद पर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको खुद पे विश्वास होगा तो फिर लक्ष्य भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसी विचार के साथ सुप्रभात धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राधिका। और मैं हूँ आपके साथ प्रणय। मेरी ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत इस ताज़ा सुबह में सुप्रभात धरती धुरारी में। राधिका ने अभी जिक्र किया एक बेहतरीन सुबह का, जिंदगी संवारने के लिए एक बेहतरीन रास्ते को चुनने का जिक्र किया है, तो क्यों ना आज की इस ताज़ी सुबह में एक बेहतरीन व्यक्तित्व से मुलाकात की जाए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट श्री अजय जी असवाल। बहुत बहुत स्वागत अजय साहब आपका सुप्रभात धरती धुरारी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। और सर आपकी जिंदगी के सफर की, तो जैसे हम कहते हैं अभी, जैसा मैंने अभी शुरू में भी कहा कि अगर हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो उसकी शुरुआत भी बेहतरीन ही होनी चाहिए। और जब हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो समय आता है वो आता है हमारा बचपन का। तो सर आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता? जी हाँ, मेरा जो जन्म है वो जयपुर में हुआ था और मैं जयपुर ज़िले का ही रहने वाला हूँ। और एक गांव है हमारा जयपुर ज़िले में, थोड़ा दूर स्थित है, और वहाँ पे जो है जब मैं पैदा हुआ उस समय कुछ कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुई थी और वहाँ पे लोकल फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं थी, तो रश करके मुझे जयपुर लाया गया और जयपुर के अंदर जो है मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जो है विभिन्न स्थानों पर, मैं हमारे पिताजी की पोस्टिंग के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर जो है मुझे रहने का अवसर मिला, अलग अलग स्थानों पर एजुकेशन लेने का मौका मिला। जी, तो सर कई बार ऐसा हमने सुना भी है और कहते भी, एक राजस्थानी में एक कहावत भी है कि जो पूत के पग होते हैं वो पालने में नजर आते हैं। तो सर आज आपने इतना अचीवमेंट लिया है, तो उसकी शुरुआत जब बचपन से हम करते हैं, आपके जो पिताजी हैं वो IAS ऑफिसर रहे, पुलिस, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल भी रहा घर के अंदर, तो ऐसे में सर कोई ऐसी सीख जो आपने बचपन में शरारत की हो और वो सीख के रूप में बदल गई हो? जी, मेरे पिताजी जो हैं पुलिस सेवा में थे, भारतीय पुलिस सेवा में, और निश्चित तौर पे एक सख्ती रहती थी, एक बड़ा सीख का माहौल भी रहता था और बहुत सी चीज़ों के अंदर एक डिसिप्लिन भी जो है घर के अंदर विशेष तौर पे रहता था। और मुझे एक वाकया बचपन का याद आ रहा है, बताइए कि जो है मुझे क्रिकेट में बहुत रुचि थी और आम तौर पे बच्चों को क्रिकेट में काफ़ी रुचि हमारे जनरेशन में तो रही है, और हमारे पेपर चल रहे थे और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में एक टूर्नामेंट खेलने गई हुई थी। उस समय हमारे पिताजी ने कहा कि भी टीवी नहीं देखना, आपके पेपर चल रहे हैं, आपको तैयारी करनी है। लेकिन शौक इतना ज़्यादा था कि भारतीय टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है, श्रीकांत कितने रन बनाएगा, जीतेंगे हारेंगे, तो मेरे पड़ोस में मेरा एक दोस्त था जो सामने के मकान में ही रहता था, तो मैं ग्राउंड में बाहर जाके बैठ गया पिताजी को कह के कि मैं बाहर बैठ के पढ़ लेता हूँ। और जो दोस्त था उससे पहले से ही बात कर रखी थी, वो अपने घर में बैठा बैठा टीवी में मैच देख रहा था और वहां पे जो खिड़की थी उसमें से इशारे कर रहा था, जैसे चौका होता तो वो अंपायर की तरह चौके का इशारा कर देता तो मैं समझ जाता कि हाँ, कोई आउट होता तो इशारा कर देता, कुछ हाथ से इशारा कर देता कि इतने रन बनाने हैं भारत को और अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जिस तरीके से भी। और मैं बड़े मजे से, मेरे किताब में कोई रुचि नहीं और मैं देख रहा हूँ किस तरह से भारत चेज कर रहा है, जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, मैं उसको देख रहा हूँ और बड़े आनंद ले रहा हूँ, और मेरे को ये नहीं पता कि अंदर से पिताजी मुझको देख रहे हैं। और जो है इतना ज्यादा जो है भय तो था पिताजी का, लेकिन ये नहीं पता था कि पिताजी अंदर से मुझे देख रहे हैं। भय का तो मैं आपको कहूँ तो पुलिस के अंदर एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ रहती है, और हमारे सामने एक पुलिस ऑफिसर रहते थे, उनका इतना ज्यादा भय था उनके स्टाफ के अंदर कि एक बार वो रेड लाइट पे कहीं गाड़ी उनकी रुकी और वो उतर के कुछ लेने लग गए, ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की कि भी अफसर बैठे ही नहीं, और वो गाड़ी लेके और ऑफिस तक पहुंच गया और उन्होंने वहां से फोन किया कि इसको वापस मत भेजना, मैं दूसरे साधन से आ रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी अच्छा खासा डिसिप्लिन था। जब मैंने देखा कि पिताजी ने मुझे ये क्रिकेट मैच के बारे में देखते हुए देख लिया, तो मेरी जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और उसके बाद जब पिताजी आए
उन्होंने थोड़ा डांटा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जब तुम्हारी रुचि इस समय पूरी मैच में है तो टीवी चला लो, मैच खत्म होने तक देख लो। तब तो मैच में कोई आनंद नहीं आया, बाकी का मैच तो देखा, लेकिन उस दिन एक सीख मिली कि हमको इस तरीके से अपने माता पिता को धोखा देके या किस तरह से शॉर्टकट करके एंजॉयमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये डिसिप्लिन पिताजी का पढ़ाई में भी रहा होगा जब आप स्कूल के जमाने में रहे। जी जी बिल्कुल, स्वयं पिताजी जैसे अपने बारे में बताते हैं कि कितने डिसिप्लिन से उन्होंने स्वयं पढ़ाई की और वो थ्रू आउट टॉपर रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और उनके समय तो उनको तो करीब 10-12 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता था उस समय के अंदर, लेकिन एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ उनकी शुरू से रही, और यही एजुकेशन के प्रति जो उनकी लगन थी, ललक थी, जो डिसिप्लिन था, वो हमको सांस्कृतिक विरासत में मिला। जी, और सर आप बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं, और जब आप 9th क्लास में थे आपको स्कॉलरशिप भी मिली, और स्कॉलरशिप के पीछे भी आपके बहुत ही अच्छा जो वाक्य आपका जुड़ा हुआ है सर, वो क्या है वो बताएं। जैसा कि आपने बताया स्कूल एजुकेशन के अंदर अच्छी रैंक्स मेरी शुरू से आती थी, क्लास के अंदर मेरिट में फर्स्ट सेकेंड में मेरा नंबर रहता था, और घर वाले इससे प्रसन्न भी रहते थे, और इसलिए मैं समझता हूँ इसलिए मुझे वो खेलने का और वो सारे अवसर भी पूरे मिलते थे कि पढ़ाई में ठीक कर रहे हो तो वो कहते थे बाकी जो एक्टिविटीज आपको खेलना कूदना है वो आप करते रहें। ऐसे करते करते मैं 9th क्लास के अंदर अच्छी मेरिट के साथ पहुंचा, तो एक NTSC की स्कॉलरशिप होती है जो आजकल भी होती है और उस समय भी काफ़ी फेमस थी, NCERT के द्वारा दी जाती है, उसकी जानकारी मुझे स्कूल में लगी नहीं कि भाई ये इतने दिन बाद ये एग्ज़ाम है, बिल्कुल लास्ट में लगी और वो फॉर्म भर के दे दिया। अब तैयारी के लिए कुछ ही दिन बचे थे, मैंने घर पे बताया तो घर वाले नाराज हुए कि भी तुम पहले बताते और कुछ तैयारी करते। वो मार्केट में गए और उनको एक मोटी सी 300 पन्ने की किताब मिली NTSC की स्कॉलरशिप की तैयारी करने की, और लाके मुझे दे दी। मैंने कहा जी अब 15 दिन में कोई फायदा तो है नहीं इसकी तैयारी करने का, लोग तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करते हैं, तो मैं उसको 10-15 दिन में 10-15 पन्ने ही उसके पढ़ पाया। जब पेपर का एक दिन रह गया तो मैं शाम को खेलने पहुंच गया, हमारे घर के बगल में ही मैदान था, तो घर वाले जो है उन्होंने मैसेज किया भी इसको बुलाओ, तो घर आए तो उन्होंने कहा भी कल तुम्हारा इम्तिहान है NTSC का और तुम खेलने पहुंच गए। तो मैंने कहा कि जी मैंने तो देखो उस किताब के तो 15 ही पन्ने पढ़ पाए, अब कोई फायदा तो है नहीं, मैं खेल तो लूं कम से कम। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं, जो है अपने स्थिर मन से और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओ। मैंने तब उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं सुबह इम्तिहान देने चला गया। उस दिन मैंने रियलाइज किया पेपर को देख के और पेपर को करके कि आप 2-3-4-5 दिन जो तैयारी करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, सामान्य ज्ञान रखते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, अपने स्कूल में दूसरे सारी सब तरह की न्यूज में ध्यान रखते हैं, अन्य एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उससे आपका जनरल नॉलेज जो है बढ़ता है। और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और मेरे का स्टेट में 29th रैंक आया और NTSC स्कॉलरशिप मिली, जिससे मुझे पूरी जब तक मैंने एजुकेशन जब तक पूरी नहीं की कॉलेज की भी, अपनी BTech खत्म की तब तक मुझे वो स्कॉलरशिप मिलती है। वैसे अजय साहब ये होता है कि जब स्कूल के मेरिट में होल्डर्स स्टूडेंट होते हैं उनका बाकी की एक्टिविटीज में ध्यान कम होता है क्योंकि सारा ध्यान तो पढ़ाई में होता है और वो बाकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। आपके साथ भी ऐसे ही रहा या आप बाकी एक्टिविटीज में एक पार्टिसिपेंट के रूप में रहे? मैं ये समझता हूँ कि जो ये धारणा है ये धारणा सही नहीं है कि अगर कोई पढ़ता लिखता है तो वो और कुछ नहीं करता। पहले एक मुहावरा था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बिल्कुल तो सही, मैं इसको सही नहीं मानता क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, वो खेल में भी अच्छा कर सकता है। और सब चीजों के लिए जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो बहुत वाइड है और उस वाइड पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी गुंजाइश है अलग अलग एक्टिविटीज करने की। उसमें केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, उसमें स्पोर्ट्स भी है, कोर करिकुलर एक्टिविटीज भी है। और शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा, मैं कॉलेज की में भी पहुंचा तो बैडमिंटन टीम में भी था और हॉकी टीम में भी था। अभी भी हमारे सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताएं हुई थी पिछले सप्ताह, तो उसमें भी मैं बैडमिंटन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अन्य एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आपको रिफ्रेश कर देते हैं और विगर के साथ पढ़ाई करने के लिए। तो अन्य एक्टिविटीज जो है उनमें पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे पे जोर डालें केवल पढ़ाई 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 करें तो मैं समझता हूँ उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। जी 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 जी। और सर जैसा उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में थोड़ी पढ़ाई भी टफ होती है और थोड़ी मस्ती भी होती है दोस्तों के साथ क्योंकि आप हॉस्टल लाइफ में आ गए थे अपनी, तो सर फैमिली के साथ पहले आप रहते थे तो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आप हॉस्टल लाइफ में आए, तो कैसी आपकी हॉस्टल लाइफ रही, कैसे आपने उसको मैनेज किया? जी
जब मैं टेंथ के बाद ही कॉलेज में गया तो मैं हॉस्टल में चला गया इंजीनियरिंग से पहले ही, और हॉस्टल में जाने के बाद जो है आटे दाल का भाव मालूम पड़ा कि भी किस तरीके से घर से बाहर रहना कितना कठिन होता है, किस तरह पहले तो शुरू शुरू में शौक चढ़ा कि हाँ घर वालों के यहाँ से मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ तो बड़ी आजादी रहेगी, बहुत आजादी मिलेगी। लेकिन अच्छा वो आजादी शुरू शुरू में उसको एंजॉय भी खूब किया, हॉस्टल में गए तो खूब पिक्चरें वगैरह देखने जाते थे शाम के समय और अपना एंजॉयमेंट भी करते थे, घूमते फिरते थे। धीरे धीरे रियलाइज किया कि भी आगे करियर में बढ़ना है तो ये जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, आपके सिर पे रोजाना कोई नहीं बैठा रहेगा कहने के लिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये खुद से अंदर से आवाज नहीं आती कोई भी स्टूडेंट आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकता उसके करियर की, उसकी पढ़ाई की। स्टूडेंट क्या किसी भी क्षेत्र में, अगर कोई सर्विस में भी है तो उसके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे और बेहतर और आगे करना है। जी जी तो जी वहां पे हॉस्टल के अंदर रहे, धीरे धीरे रियलाइज किया कि अपने टारगेट्स खुद सेट करने पड़ेंगे और अचीव करने पड़ेंगे, एक लंबी सोच रखनी पड़ेगी आगे किस तरीके से करना है, कैसे और बढ़िया कर सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग के अंदर गए तो इंजीनियरिंग के अंदर भी यही देखा कि भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हॉस्टल लाइफ अपनी जगह, एंजॉयमेंट अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे इतने टफ पेपर्स देने हैं, इतना सिलेबस अपने को कवर करना है तो उसकी तैयारी स्वयं ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए शायद आप ये कहते हैं कि इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हमें एक बेहतर दुनिया मिली है, लेकिन हमें और भी बेहतरीन कुछ इस दुनिया को देना है, यही आपका वाक्य रहा है। जी जी जी, मेरा ये जीवन का फलसफा है कि भी हम इस दुनिया में हैं, बहुत कुछ बेहतर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसमें और बेहतर हम क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। तो एक मीनिंगफुल लाइफ है, तो एक सेटिस्फेक्शन है जॉब में। आज मैं पब्लिक लाइफ के अंदर आया हूँ अपनी इच्छा से, हूँ इंजीनियरिंग करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, सिविल सेवा के अंदर आया हूँ, तो वहां पे मेरा मकसद यही है कि आम व्यक्ति को, वंचित व्यक्ति को उसके अधिकार मिल सके। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसका जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं होता किसी तरीके से भी। आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो केवल फाइल वर्क करके नहीं है, जब आप देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकला है, इसका क्या आउटकम हुआ है, आम आदमी को इससे क्या लाभ मिला है, जी, तो जी, वो जी, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अंदर से आपको तसल्ली देता है। और इसलिए आपने शायद आम आदमी के अधिकारों के लिए काम भी किया है, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन तरह के बहुत सारे अधिकारों के लिए आपने काफी काम किया, उस बारे में बताएं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। जी जी, समय समय पर जब मेरी पोस्टिंग किसी विभाग में हुई तो वहां पे इस तरह की कोई फ्लैगशिप योजना चल रही थी, अधिकारों की बात चल रही थी, और उनसे जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि आजकल एक टेंडेंसी कुछ जगह हो गई है कि किसी एक व्यक्ति को कुछ उसका न्याय दिला के या उसके ड्यूज दिला के वो बहुत ज्यादा अखबार में हाईलाइट हो जाता है। कोर्ट ने 20 साल बाद ये दिलाया, फला व्यक्ति को इतने साल बाद ये मिला, बहुत अच्छी बात है, उसका ड्यू है, उसको मिलना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे हमको सोचना होगा कि पूरे सिस्टम में सुधार कैसे हो, हर व्यक्ति को वो चीज मिले, हम एक व्यक्ति को दिलाकर वाहवाही नहीं लूटे, हम ये सोचेंगे ऐसे और कितने वंचित व्यक्ति होंगे जिनको ये अधिकार नहीं मिल पा रहा, और उन सब व्यक्तियों को भी ये अधिकार दिलाने का प्रयास करें। तो मेरी ये कोशिश रही है जिस भी विभाग में रहूं कि सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, वो इस तरीके की इम्प्रूवमेंट हो कि हर व्यक्ति को मिले। अगर 20 साल पुराने को नहीं मिल रहा तो मैं ऐसा सिस्टम करूं कि पहले 5 साल तक पुराने सभी को मिले, फिर 3 साल, 2 साल, 1 साल और आज की तारीख तक हम आए। केवल ये कोशिश नहीं रही कि 4 पुराने केस ही उठा के अपन ने कर दिए। तो किसी भी योजना को मैं तब सफल मानता हूं जब आम आदमी उसको अधिकार के तौर पे पा सकता है, ना कि हम उस तक पहुंच के एक दो व्यक्तियों को हमने लाभान्वित कर दिया। जैसे शुरू शुरू में मुझे राइट टू एजुकेशन से जुड़ने का अवसर मिला, मैं स्टेट की जो टीम बनी हुई थी, टास्क फोर्स बनी हुई थी, उसका हिस्सा भी रहा और अच्छा कार्य किया, और मेरा वहां से तबादला होने के बाद भी मुझे उस टीम का हिस्सा रखा गया जो आम तौर पर नहीं होता है। तो उसमें हमने देखा कि ना केवल हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, वंचित व्यक्ति बच्चे को मुफ्त में शिक्षा मिले, साथ के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी हो, उसके अंदर हमने बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़े, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, सिस्को जैसी, इंटेल जैसी, जी, जी, और जी, इन सब संस्थाओं के माध्यम से एक सशक्त शिक्षा का अधिकार उनको देने का प्रयास किया। जी, 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 जी। इसी तरीके से जब मैं फूड डिपार्टमेंट में रहा तो वहाँ राइट टू फूड की बात आई। हमारे यहाँ राशन का कंसेप्ट बहुत पुराना है, राशन की दुकानों से मिलता है, उस समय मुझे नोडल अधिकारी बनाया गया और एक उपभोक्ता सप्ताह प्रारंभ किया गया, और करीब 10 वर्ष पुरानी बात है। और उस उपभोक्ता सप्ताह के अंदर जो है हमने देखा कि जो राशन किसी को नहीं मिल पाता है और राशन डीलर कहता है राशन खत्म हो गया, तो क्यों नहीं हम एक सप्ताह निर्धारित कर दें कि 17 तारीख से 24 तक ही राशन मिलेगा। तो आप कोई 17 को राशन लेने जाएगा तो डीलर ये नहीं कह सकता खत्म हो गया, अभी आज से पहले तो आपको बांटना ही नहीं था। तो इस तरीके के जो राइट टू फूड हुआ, इसी तरीके से हमने चल प्रयोगशाला वहां चलाई कि अगर कोई मिलावट हो रही है, पहली बार चलाई थी और बहुत सक्सेसफुल रही थी, तो उस मिलावट को मौके पर ही
पकड़ा जा सके। इसी तरीके से हमारा एक राइट टू कम्यूट होना चाहिए, हम कहीं आना जाना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सरल तरीके से हम आ जा सके। जब जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई तो मुझे एक टेलीफोन आया कि आप शुरू से इससे जुड़ना चाहेंगे, बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, जयपुर में मेट्रो बनानी है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मुझे एक बार तो थोड़ा सा संशय हुआ कि भी जयपुर में मेट्रो बहुत ही कठिन कार्य रहेगा, लेकिन मैं आई टुक अप द चैलेंज। और डे वन से जब हमारे पास ऑफिस भी नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी, तो हमने इसको प्रारंभ किया। और हमारी कोशिश यही रही कि एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत ना केवल मेट्रो बल्कि आने वाले को अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाने तक और फिर मेट्रो स्टेशन से आगे जाने का एक कंप्लीट प्लानिंग रहे। मैं समझता हूँ कि फेज टू के अंदर जब मेट्रो पूरे शहर में बढ़ जाएगी तो उस दिशा के अंदर हम चल पाएंगे और हर कोई व्यक्ति मेट्रो से जाने की भी सोचेगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चुनौतियां जाहिर बात है आपके सामने रही होंगी। कोई मजेदार वाकया रहा जो आपको थका देने वाले इस काम में थोड़ा सा मजा दे गया हो, एक मुस्कुराहट चेहरे पे दे गया हो? मेट्रो का काम वास्तव में बहुत चैलेंजिंग है जी जी। और जब मेट्रो का कार्य शुरू किया तो हमने इसके टेंडर्स इन्वाइट किए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नॉमिनी बनाया गया और दिल्ली के अंदर ये टेंडर खुलते थे और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसके लिए कार्यकारी एजेंसी थी। तो पहले भी मैं कुछ टेंडर कमेटी में मेंबर रहा था और मैंने कहा ठीक है जाके काम कर लेंगे वहाँ पे। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा जी ये टेंडर कमेटी की मीटिंग परसों आपने आज ही क्यों बुला ली? उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप डॉक्यूमेंट्स देख लें। तो मैंने कहा दिखाइए। ये यहाँ नहीं, एक कमरे में ले गए और वो कमरा पूरा डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। उन्होंने कहा मेट्रो के इस तरीके के टेंडर आते हैं, आप दो दिन यहाँ बैठ के उनको सबको देखिए। अच्छा। और मैंने वास्तव में वहां बैठ के दो दिन उसको देखा। हाँ। उसके बाद हमने चाहा कि हमारा जो मेट्रो का है वो इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ना केवल हमारी जो वायाडक्ट डल रही है या फिर अंडरग्राउंड लाइन डल रही है या फिर जो उसके ऊपर बाकी टेलीफोन सिग्नलिंग है, बल्कि जो हमारे मेट्रो का रोलिंग स्टॉक जो डिब्बे हैं वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी के आए। और इस संबंध के अंदर हमने देखा कि इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं जब यूरोप गया तो यूरोप में मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जहां पे वो डिब्बे बन रहे थे वहां मैं गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको एक स्क्वायर फीट के अंदर इतने व्यक्ति खड़े हों। तो उन्होंने कहा आप शायद कंफ्यूज कर रहे हैं, आप एक स्क्वायर मीटर कहना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ तो एक स्क्वायर मीटर में इतने खड़े होते हैं। अच्छा। मैंने उनको कहा कि देखिए भाई साहब आपने हमारी अभी बॉम्बे की लोकल ट्रेन नहीं देखी है, उसके अंदर इतना लोड आता है, उसी तरह हम हमारे यहाँ पे कई बार मेट्रो के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो आपकी जो डिजाइनिंग होनी चाहिए, जो आपका एंटी फ्रिक्शन सरफेस देना है, जिस तरह से आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, जिस तरह से आपको स्पीडिंग या स्लो डाउन करना है, उस सब में आपको मानना पड़ेगा कि जरूरत से ज्यादा, जितनी आप कैपेसिटी समझ रहे हैं उससे ज्यादा लोग इसमें चढ़े तो भी ये उनको अच्छे तरीके से केटर कर ले। तो वो लोग निश्चित तौर से बहुत हैरान हुए, लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज भी उन्होंने उसको किया। ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और जब पहली बार मेट्रो रेल जयपुर में चली थी, लोगों में कौतूहल था कि बैठ के देखें कैसी होती है मेट्रो, जो लोग नहीं बैठे थे, जो मेट्रो सिटीज में नहीं गए थे, क्या अभी भी उस कौतूहल को बनाए रखने के लिए आप कुछ नए प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा, मैं चूंकि अब सीधा उससे नहीं जुड़ा हुआ, दूसरे विभाग में पोस्टेड हूँ, तो मैं अक्सर अखबार के अंदर भी पढ़ता हूँ, उन लोगों से भी बात होती है जो हमारे साथी वहाँ पर हैं, कि नए नए नवाचार उनके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर किए जा रहे हैं, चाहे वो पैसेंजर्स से कोई लेटेस्ट फैसिलिटी देने से संबंधित हो, चाहे वो पैसेंजर्स को जो है आगे से आगे अच्छा महसूस करने से संबंधित हो, चाहे वो कैशलेस ट्रांजैक्शन से संबंधित हो, तो पैसेंजर्स को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देने के लिए जयपुर मेट्रो और कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैं देख रहा हूँ वो निभा रहे हैं। इस तरह कुछ स्कूल्स वगैरह के साथ भी वो जुड़ रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। कुछ हमारी ये भी कोशिश रही है कि इस तरह के इंजीनियरिंग में जो IIT के और दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी शुरू से जोड़ा जाए, ताकि इस टेक्नोलॉजी में वो ट्रेनिंग लेकर आगे से आगे बेहतर उसमें कर पाए। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा जयपुर मेट्रो का सेकंड फेज आएगा और ये पूरे जयपुर व्यापी हो जाएगी, तो ये इसका कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। आप मैं सब मेट्रो में ट्रेवल करना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी ये है कि केवल 9 किलोमीटर की लाइन है, तो हम सोचते हैं कि जिसको मानसोर से चांदपोल जाना है वो ही जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे इंटरनल सिटी की लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी बड़ी चौपड़ तक, तो भी इसमें राइडरशिप बहुत बढ़ेगी। और पूरी सिटी में होने के बाद, सीतापुरा तक लाइन डलने के बाद, अंबाबाड़ी से सीतापुरा, मैं समझता हूँ कि इसकी राइडरशिप बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जी, और सर मेट्रो का जैसे चुनौतीपूर्ण तो रहा ही, लेकिन बहुत एक डिफरेंट हमारा एक्सपीरियंस हो गया, हमें एक अच्छी चीज मिल गई मेट्रो के माध्यम से।
साथ ही घाट की गुणी की हम बात करें, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम रहा, क्योंकि पहाड़ों के बीच में से सुरंग को निकालना और रास्ता बनाना वहाँ से, तो वो भी एक सर कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण काम रहा आपके लिए, जो प्रोजेक्ट रहा, और उससे जुड़ी कुछ यादें सर आप हमें बताएं। जब मैं जयपुर विकास प्राधिकरण JDA के अंदर पदस्थापित था, उस दौरान कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स मुझे मिले और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूं कि इतने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में काम करने का अवसर मिला। उनमें से एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था घाट की गुनी टनल। हमको दो तरफ टनल बनाने का सरकार ने कहा था कि आप इसकी फिजिबिलिटी देखिए और आगे प्रोसीड कीजिए। एक तो आगरा रोड पे घाट की गुनी टनल था और दूसरी टनल हमको न्यू जयपुर, जो खो नागरविन साइड आगरा रोड साइड बनाने का विचार था, वहां पे हमको पहाड़ में से वहां पे भी टनल निकालनी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीछे। हालांकि कुछ कारणों से वो टनल नहीं हो पाई, लेकिन जो घाट की गुनी टनल है इसके लिए भी हमने मौका देखा, बहुत सारी रिपोर्ट्स ली, राइडरशिप सर्वेज देखे, फिर हमने देखा कि कितना डिस्टेंस हमको पहाड़ के बीच में निकालना है, कितने लोग रिलोकेट करने हैं, कौन सा रोड वाइडन करना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। जब ये सारा सर्वे करके और हमने देखा कि हमको इतना चैलेंजिंग है, इतने फॉरेस्ट एरिया में से, पहाड़ में से निकलना है, तो हमने ये बात रखी कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग तो उस समय विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे भैया संभव ही नहीं है, असंभव की बात क्यों करते हो, ये तो हो ही नहीं, पहाड़ में से कैसे निकाल लोगे आप टनल, निकल ही नहीं सकती है। आप केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हो कि हम ये प्रोजेक्ट लाए वो प्रोजेक्ट लाए, और ये कभी हो नहीं पाएगा। मुझे याद आ रहा है कि इसके लिए जब हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी तो उसमें भी बहुत लंबा समय हमको लगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लखनऊ से मिलती है, हमारे स्टाफ के आदमी कई दिन वहाँ बैठे रहे, वहाँ हमने लगातार संपर्क किया, और लंबे समय के बाद बहुत सारी कंडीशंस लगाते हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जैसे उनकी रहती है कि आप इसके एवज में इतने पेड़ और लगाएंगे, ये जमीन यहाँ पर देंगे, इतने को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो सारी कंडीशंस हमने मीट की। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये जो परमिशन मिली उसमें भी बहुत लोगों ने कहा कि साहब ऐसी परमिशन पहले किसी विभाग को इतने बड़े स्तर पर कार्य करने की नहीं मिली। मगर मैं समझता हूँ कि वो जो अब टनल बन गई है तो एक वो शानदार सौगात है इस शहर को। जो लोग घाट की गुनी टनल में इतना ट्रैफिक जैम में फंस जाते थे और उनको एक बिल्कुल सीधा रास्ता मिल गया आगरा रोड पे जाने का, और बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टनल है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप लोग भी यूज करते होंगे, और शहरवासियों का जो आगरा रोड से कनेक्ट कम था उसके बाद आगरा रोड पे डेवलपमेंट निश्चित तौर से बेहतर। जैसे उस टनल में जाते हैं एक नए वातावरण से मुलाकात होती है। और अजय साहब, वातावरण इस समय जो हम आ रहे हैं 2-3 दिन में निकल के, शिवमय हो रहा है, शिवरात्रि हमने पर्व मनाया है, तो क्यों ना हम भी इस वातावरण का हिस्सा बने, एकलिंग जी के दर्शन करते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। आइए चले। उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है एकलिंग जी का भव्य मंदिर। एकलिंग जी मेवाड़ महाराणाओं के इष्ट देव रहे हैं। ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच कैलाशपुरी नामक गांव में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने करवाया था। कहा जाता है कि बापा रावल एक बार जंगल से गुजर रहे थे तो स्वर्ग लोक से प्रसाद आकर उनके पांवों पर गिरा, जिसे देख रीत ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, ये प्रसाद जो स्वर्ग से गिरा है अगर तुम्हारे मुंह में गिर जाता तो तुम अमर हो जाते, परंतु ये तुम्हारे पांवों पर गिरा है, इसलिए मेवाड़ का राज्य सदैव तुम्हारे पांवों के नीचे रहेगा। और इसी घटना के बाद बापा रावल निकल पड़े एक महान राज्य की स्थापना करने। चारों तरफ परकोटे से घिरे मंदिर के आते में कई छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जिनमें एक महाराणा कुंभा का बनवाया हुआ भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे लोग मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के मुख्य भाग में
काले संगमरमर से बनी भगवान शिव की चतुर्मुखी मूर्ति है। मंदिर की बाहरी दीवारों का शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। पत्थर पर शिल्प इस तरह उकेरा गया है कि अपलक घंटों भी देखते रहें तो कम है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो है संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अजय असवाल जी। सर, जैसा कि हमारी बहुत सारे टॉपिक पे आपके जीवन की इंजीनियरिंग की हमने बात की, एजुकेशन राइट की हमने बात की, तो सर इसके आगे जब हम आगे चलते हैं, आप आर्यस में रहे, जब बने उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ फॉरेन ट्रेनिंग के अंदर जो भारत सरकार द्वारा चयनित किया जाता है, और उसके द्वारा आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। तो सर कैसा वो अनुभव रहा, क्योंकि भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना और वो भी 3 आरएएस को सेलेक्ट किया गया सिर्फ, तो सर कैसा अनुभव रहा वो? ये भारत सरकार द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है DFFT के नाम से, जिसमें अधिकारियों को विदेश में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाता है। 2011 में प्रथम बार राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि आरएएस अधिकारियों को भी इसमें भेजेंगे, और ये ना केवल गवर्नमेंट को नॉमिनेट करना होता है बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज इसका एक तरीके से टेस्ट भी लेती हैं, और उस टेस्ट के थ्रू आपको पास करके और फिर आपका सिलेक्शन वहाँ पे होता है। मुझे भी काफ़ी रुचि थी कि यदि इसमें सिलेक्शन हो, और मैंने वो टेस्ट यूनिवर्सिटी के भी दिए, भारत सरकार को भी जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या गोल्स हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, और उस तरीके के राइटअप्स जो है, क्या फॉलोअप आपका रहेगा, वो सब दिया। उसके बाद जो है एक एंग्शियसनेस रही कि इतने सारे लोगों ने भरा है, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो शुरू में चयन हुआ हम लोगों का उसमें ही मेरा भी चयन हुआ, और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जो एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है USA की, उसकी एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो वहाँ पर मेरा चयन हुआ फॉरन ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए। तो जब हुआ तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही खुशी हुई 2-3 दिन तो कि भी चयन हो गया। उसके बाद फिर दिमाग काम करने लग गया, अभी कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, साल सवा साल तक बच्चों का क्या व्यवस्था करके जानी है, किस तरीके से करनी है। तो वहाँ बात की और लोगों से, अनुभवी लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बच्चों को साथ लाइए और यहीं पर आप इनकी एजुकेशन 1 साल यहाँ पर आप करा सकते हैं। तो मैं फैमिली को भी साथ लेके गया, और फिर वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग भी बहुत ही स्ट्रेनुअस भी रही, लेकिन उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पब्लिक पॉलिसी के अंदर MS कराती है, जो कि एक टेक्निकल कोर्स है, और इस MS के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताती है कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में पब्लिक पॉलिसीज में किस तरीके से सक्सेस मिल पाती है। तो इस कोर्स के लिए जब यहाँ से गया तो सोच के गया कि भी पढ़ाई कैसी होगी कैसी नहीं होगी, लेकिन वहाँ जाके जब उसमें इंटरेस्ट से काम किया तो मैं कोई बताते खुशी हो रही कि लास्ट में आई डिड इट विद हाईएस्ट डिस्टिंक्शन। वहाँ 15 देशों के स्टूडेंट्स थे, अधिकांश स्टूडेंट्स बिल्कुल यंगस्टर्स थे, उनसे यंग एज में थे, हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ मैंने किया, और ग्रेजुएशन स्पीच डिलीवर करने का भी मुझे अवसर दिया गया। जी जी जी, तो वहाँ जो भी आपने नया अनुभव किया उसको कहीं यहाँ एग्जीक्यूट करने का मौका मिला इंडिया में, जब आपने काम किसी अलग अलग प्रोजेक्ट में किया है? मेरा ये मानना है कि कोई भी लर्निंग यदि हम करते हैं, इट नेवर गोज वेस्ट। कई बार हम सोचते हैं कि ये चीज हमने सीख ली लेकिन ये काम तो आ नहीं रही है, मैं ये चीज, ये ट्रेनिंग इस विभाग में ली, अब मेरा तबादला दूसरे विभाग में हो गया तो क्या काम आएगी या नहीं। लेकिन आपकी जो स्किल्स डेवलप्ड हुई हैं वो मैं समझता हूँ एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा अवेलेबल रहती है आपके यूज के लिए, और आपको चाहे परोक्ष रूप से आप रियलाइज करें या नहीं करें, कहीं ना कहीं वो आपकी मदद भी करते हैं। तो एक तो मेरा मानना है कि मैं जब भी ट्रेनिंग लेके आता हूँ तो उस ट्रेनिंग के अंदर जो कंटेंट है, जो ओरिजिनल कंटेंट है, उसी को यूज करते हुए आगे भी लोगों को ट्रेन करना चाहिए। और मैं इसको बिल्कुल अपना रूटीन मानता हूँ
कि भी ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मुझे कहीं अच्छी जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा तो मैं उस ट्रेनिंग को आगे से आगे डिसेमिनेट करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूं। इसी क्रम में मैं रेगुलरली ओटीएस जो एचसीएम रीपा है हमारा यहाँ संस्था है उसके अंदर ट्रेनिंग के लिए साल में 20-30 बार आवश्यक रूप से जाता हूँ। अच्छा। और मेरी कोशिश रहती है कि वहीं का कंटेंट यूज करते हुए जो उन्होंने कंटेंट हमको बताया किस तरह वहां के एग्जाम्पल्स और सब है उसको इंडियन कंडीशन में कस्टमाइज करते हुए यूज किया जाए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में भी मुझको काम करने का अवसर मिला तो उन टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के अंदर हमको उन प्रोजेक्ट्स में ये यूज करने की अच्छा मौका मिला। उसके साथ ही एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का बहुत अच्छा पेपर वहां पे होता है जिसके अंदर वही किताब काम में ली जाती है जो कि व्हाइट हाउस के अंदर पॉलिसी मेकर्स द्वारा ली जाती है जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। और उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी नया नीतिगत निर्णय है जिसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं इसकी क्या तो कॉस्ट रहेंगी और क्या बेनिफिट रहेंगे। और इसको मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं जब भी कोई फाइल लिखता हूं नोटशीट लिखता हूं कोई भी निर्णय किया जाता है कि साहब इसमें ये कॉस्ट है और ये बेनिफिट है तो एक तरीके से वो आपकी वर्किंग में ढल जाता है। तो वो जो चीज है वो भी जब आगे डिसीजन मेकिंग लेवल पे जाती है उच्च स्तर पे जाती है तो उनको भी ये लगता है कि हाँ साहब ये बिल्कुल इन्होंने खोल के रखी है चीज कि साहब इसका ये फायदा है नुकसान है अब ये निर्णय अपने को लेना है कि विकल्प एक पे जाना है दो पे जाना है तीन पे जाना है। तो ये ट्रेनिंग मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वहां पे कैसी कैसी गुड प्रैक्टिसेस हैं ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल फिजिकल सेक्टर्स में बल्कि सोशल सेक्टर्स के अंदर वो बहुत ही काम आई और उनमें से कुछ को यहाँ रेप्लीकेट किया कुछ ऐसी है जो सीधे सीधे हम यहाँ नहीं रेप्लीकेट कर सकते लेकिन इंडियन कंडीशंस में उनको कस्टमाइज किया। जी। असवाल साहब आपका 21 साल का प्रशासनिक सेवा का अनुभव रहा है और बहुत कठिन कठिन परियोजनाओं पर आपने काम किया है लेकिन फिर भी आप खुद को इतना ऊर्जावान बना के रखा है एक बिल्कुल युवा चेहरे के बड़ा अच्छा आपके रौनक है चेहरे पे क्या कैसे रखते हैं अपने आप को इस दिनचर्या में व्यस्त या थोड़ा सा समय निकालते हैं खुद के लिए। जी आई थिंक यू हैव बीन रादर काइंड विद वर्ड्स। मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं रिफ्रेश्ड रहूंगा ऊर्जावान रहूंगा तो नए आइडियाज आएंगे और उसके लिए जरूरी है कि नई से नई चीजें हम सीखें जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें हम बिल्कुल अपडेटेड रहे। अगर हम आउटडेट हो जाएंगे तो आगे पब्लिक को कुछ नहीं दे पाएंगे तो लेटेस्ट लर्निंग अपने पास होनी चाहिए और लेटेस्ट लर्निंग के लिए आपका रिसेप्टिव माइंड होना चाहिए वो रिफ्रेश्ड होना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑफिस समय के बाद जो डेवलपमेंट्स इधर उधर की उनके बारे में जानकारी रखें और दूसरी एक्टिविटीज में आगे से आगे पार्टिसिपेट करें चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो को करिकुलर एक्टिविटीज हो। तो हालांकि समय निकालना बहुत ही कठिन रहता है और परिवार को विशेष तौर से मेरी धर्मपत्नी को बहुत शिकायत रहती है कि आप किसी ना किसी चीज में व्यस्त ही रहते हो और हमारे लिए समय नहीं देते क्योंकि मैं आरएएस एसोसिएशन के अंदर भी सचिव हूँ सेक्रेटरी हूँ तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी आरएएस एसोसिएशन की भी चल रही हैं। हम बहुत सारी जैसे कल शाम को भी एक इवेंट था क्लार्क सामेर के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर है नल्ला मथु जी तो उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री है जो आज 19 भाषाओं में लॉन्च की जाएगी उसकी प्री स्क्रीनिंग वहां पे थी हमने इवेंट कराया। और उसके अलावा एक आरएस क्लब जो है हमारा वो भी बन रहा है हमारे अध्यक्ष हैं श्री पवन ओड़ा वो बहुत ऊर्जावान हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि सामाजिक सरोकार भी रखती है आरएस एसोसिएशन के द्वारा भी की जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वातावरण वो हमको ऊर्जावान रखता है कि हम अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स में फाइल्स के अंदर भी अच्छे से अच्छा आउटपुट दे पाए। भले ही कितनी एक्टिविटीज में हम रहें लेकिन एक एक्टिविटी सुबह सुबह जरूर करनी चाहिए अपने आप को सुबह जल्दी उठाकर या तो हम व्यायाम से जुड़े हैं या जॉगिंग से जुड़े हैं या कुछ हम स्पोर्ट खेलें कुछ भी हम खेल कूद से का हिस्सा बने लेकिन उसी से पूरे दिन की ऊर्जा मिलती है। तो कुछ गुर हम भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि फिट में चलते हैं और देखते हैं क्या हमें नया सीखने को मिलता है। आपका नाम बताएं। निखिल गोयल। निखिल गोयल जी आप मुझे बताएंगे कि आप फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं रोज सुबह? सेंट्रल पार्क का एक राउंड। पूरा राउंड काटते हैं या 4.25 किलोमीटर का जो भी है वो पूरा ही हो जाता है एक राउंड? ओ ग्रेट सर ये तो बहुत अच्छी चीज। सेंट्रल पार्क में सुबह सुबह रोज घूमने आते हैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर रखी है योगा वोगा करते हैं और इसके सराउंडिंग्स के चार पाँच चक्कर लगाते हैं इस बात इस बॉडी फिट रहती है। सब चीज़ों का हमारे सेहत पे क्या प्रभाव पड़ा है वो देखने की चीज़ है। फिजिकल एक्टिविटी कमी होने से मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कई सारी स्टडीज हैं कि हमारी ओबेसिटी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है बड़ों में नहीं बच्चों में भी। दूसरी चीज़ जो फास्ट फूड है उसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये कतई भी बैलेंस डाइट नहीं है।
फास्ट फूड का हमारा टिपिकल जो इंडियन डाइट होता था दैट इज मोस्ट बैलेंस्ड डाइट, उसके अंदर फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब का उचित प्रोपोर्शन हुआ करता था। जो वेस्टर्न जो फूड है फास्ट फूड, उसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वसा चर्बी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, फाइबर बिल्कुल ना के बराबर, प्रोटीन कम और टोटल जंक फूड, इसीलिए उसको जंक बोलते हैं, जंक यानी कचरा। तो जो कचरा हम खा रहे हैं उससे हमारा मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ने से मोटापा जनित समस्याएं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्याएं, स्ट्रोक यानी लकवा की समस्या, देन वजन की वजह से आर्थराइटिस हो जाना, घुटने खराब हो जाना, जिसके नतीजन वापस फिजिकल एक्टिविटी में कमी आना, तो इस तरह के जंजाल में इंसान उलझ जाता है। तीसरा इम्पैक्ट सेहत पर आया है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन की वजह से हम तमाम तरह के केमिकल हम सांस के थ्रू लंग्स के पहुंचा रहे हैं, लंग्स के थ्रू ब्लड में जा रहा है, खाने के थ्रू वो हमारे ब्लड के अंदर केमिकल जा रहे हैं, तो ये इसके जो परिणाम, जो मोटापा और फूड में चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस के परिणाम है वो आज हम देख रहे हैं। लेकिन जो ये पॉल्यूशन का परिणाम है, यह हो सकता है कि हम आने वाले 10 साल बाद देखें, या हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में देखें। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी में। और हर इंसान का फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर फिट रहना है तो उसका सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि 30 मिनट वॉक करें, योगा या एक्सरसाइज करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जंक फूड को अवॉइड करें और हेल्दी फूड खाएं। जैसा कि हमने आपके इतनी सारी बातें तो हमने की ही, और एक शौक जो होता है इंसान अगर हम उसकी बात करें तो उसको जवान रखता है हमेशा, और हर इंसान के कोई ना कोई शौक होते हैं, और आपका एक बहुत ही अच्छा शौक है कार्टून बनाने का, जिसके द्वारा आपको हम सभी के जो आदर्श हैं APJ अब्दुल कलाम जी से मिलने का मौका मिला, सर उसके बारे में आप बताएं। जी राधिका जी, जैसे आपने बताया मुझे शुरू से ही कार्टून बनाने का एक शौक रहा। मैं अखबारों में आर.के. लक्ष्मण साहब के कार्टून देखता था और उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैं खुद अपने कॉलेज के अंदर भी कार्टून्स बना के नोटिस बोर्ड पे लगाने लग गया, और वहाँ स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को भी अच्छा लगने लग गया, क्योंकि उन कार्टून का मतलब किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता था बल्कि एक मैसेज देना होता था। तो हर वीक जो भी कोई ऐसा इश्यू होता था जो रेलेवेंट लगता था उस पे कार्टून बना के मैं लगाता था। तो धीरे धीरे तो डिपार्टमेंट में ये आदत हो गई कि साहब यहाँ पे इस बार कार्टून क्यों नहीं लगा, सोमवार को कार्टून लगना चाहिए इस वीक का जो कार्टून है। उस शौक को मैंने बरकरार रखा। हमारी जैसे जो ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के अंदर, RAS की ट्रेनिंग के अंदर हमारी जो मैगजीन निकली उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे कार्टून से एक मैसेज देने वाले उस मैगजीन के अंदर भी छपवाए। उसके बाद एक बार मैं जब कलेक्ट्रेट में पोस्टेड था जयपुर कलेक्ट्रेट में, तो ये पता चला कि आर.के. लक्ष्मण साहब जयपुर आ रहे हैं और उनकी एक कार्टून की प्रदर्शनी है जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब करेंगे। तो मैं बहुत रोमांचित हुआ कि भी जिनके कार्टून देख देख के और मैंने कॉपी करके और अपने कार्टून्स बनाए हैं, वो पर्सनैलिटी से यदि मेरी मुलाकात हो, तो मैं चाह रहा था कि मेरी ड्यूटी वहां पर लग जाए। आमतौर पे चाहते हैं कि भी VIP ड्यूटी नहीं लगे VIP के साथ, तो लेकिन वो चूंकि इतना बड़ा आयोजन था और कलाम साहब आ रहे थे तो ड्यूटी लगनी निश्चित थी और मेरी ड्यूटी भी वहां पर लग गई। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए चूंकि 3-4 दिन का समय था और एक कार्टून तैयार किया 2-3 दिन के अंदर, और उस कार्टून के अंदर कलाम साहब का और लक्ष्मण साहब का एक कार्टून बनाया जो कि उस प्रदर्शनी से रिलेटेड भी था और हमारे मिसाइल मैन की मिसाइल्स को भी शो कर रहा था। तो एक वो मैसेज देने वाला कार्टून था। अब वो कार्टून मैं अपने साथ ड्यूटी पे ले गया। अब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कलाम साहब के साथ थी, कुछ झिझक हो रही थी, मेरी इच्छा थी कि इस कार्टून पे मैं कलाम साहब के और लक्ष्मण साहब के ओरिजिनल कार्टून पे सिग्नेचर करा के इसको एक ट्रेजर की तरह अपने साथ रखूं। तो कलाम साहब के भी मैं बहुत ज्यादा रिगार्ड करता हूं और उनकी लाइफ एक प्रेरणा की तरह मेरे लिए रही है। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके, कलाम साहब जब एयरपोर्ट पे थे तो उनके पास जाके कहा कि सर आप बुरा नहीं माने तो मैंने एक कार्टून बनाया जिसमें आपको भी फीचर किया है और लक्ष्मण साहब को भी किया, और वो कार्टून पे मैं आपके दस्तखत लेना चाह रहा हूँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कलाम साहब ने अपने बगल में सोफे पे बिठाया, यूं कंधे पे हाथ रखा, कार्टून देख के बहुत ज्यादा खुश हुए, मुस्कुराए और उस पे उन्होंने दस्तखत किए। उसके बाद मैं आर.के. लक्ष्मण साहब के पास गया और लक्ष्मण साहब को मैंने कहा साहब इस कार्टून पे आप तो कार्टूनिस्ट हैं बहुत बड़े, लेकिन आपके कार्टून एक बनाया, आपके सिग्नेचर चाहिए। वो भी प्रसन्न हुए और उन दोनों के सिग्नेचर लेके मैंने उस कार्टून को लेमिनेट किया और आज भी अपने पास रखा हुआ है। वाह वाह वाह, क्या खूब याद है। इसके साथ ही आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिले, तो सर उनके बारे में आप बताएं।
मैं समझता हूँ आप अपना काम अगर अच्छे से करते हैं तो अवार्ड्स तो आपकी इस जर्नी में आपके जीवन का हिस्सा बनते जाते हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन में अच्छे अवार्ड्स मिले हों, चाहे उसके बाद कॉलेज लेवल पे मिले हों, या आरएस ट्रेनिंग में जब मैं था तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था, उसके बाद मुझे जब मैं एसटीएम था अलग अलग जगहों पर वहाँ पे भी काफ़ी अवार्ड मिले, डिप्टी सीएम द्वारा मुझे अवार्डेड किया गया। तो एज एसटीएम चूंकि हमने 10-12 साल फील्ड के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नौकरी की तो वो अवार्ड्स जो है विभिन्न अवार्ड्स प्राप्त हुए, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड जो मैं मानता हूँ वो है जॉब सेटिस्फेक्शन। जब उस क्षेत्र में जाके, ग्रामीण क्षेत्र में जाके वंचित से वंचित व्यक्ति के लिए आप कुछ कर पाते हैं तो वो जो आपको आनंद देता है उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, कई ऐसे गांव थे जहां पे बिजली नहीं पहुंची थी, एक योजना आई सरकार की कि भी लाइन डालने का पैसा इनसे नहीं लिया जाएगा, आप अगर इस तरीके से गरीब हैं, वंचित है, पैसे देने की स्थिति में, तो इनको जोड़िए। ऐसी ढानियों को जोड़ने में, ऐसे लोगों को जिन्होंने आजादी के बाद बिजली नहीं देखी थी वहां बिजली से जोड़ने में बिजली विभाग के लोगों को हम साथ लेके जाते थे, ऐसे लोगों को राशन दिलाने के अंदर जिनको राशन नहीं मिलता था, दो टाइम के खाने के लाले पड़ते थे, उनको राशन दिलाने के अंदर। एक मुझे वाक्य याद आ रहा है, जब मैं अलवर में था तो गढ़िया लोहार समुदाय जो है वो एक वंचित समुदाय है और उनको एक खाना बदोश की तरह पूरी जिंदगी घूमना ही पड़ता है और उनको इस तरीके से बाकी समाज भी देखता है कि अब यहाँ आगे, अब आगे चले जाएंगे, चलो 2-4 दिन बाद, यहाँ नहीं रुके। तो मेरी एक कोशिश रही कि इनको अगर हम स्टेबल करके एक जगह पे इनको कोई जमीन अलॉट कर दें ताकि ये यहाँ रहें और साथ के साथ कोई व्यवसाय भी कर सके, उसको लेके काफी ऑपोजिशन भी लोकल लोगों द्वारा हुआ कि साहब हमारे यहाँ तो नहीं बसाएं, लेकिन एक वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच थे, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया और एक स्थान चिन्हित किया और उनको फिर वहां पे जमीन पे पट्टे दिए और वो फोटो आज भी मैंने अपने ड्राइंग रूम के अंदर लगा रखी है उन गढ़िया लोहारों के साथ। हाँ। और वो एक संतुष्टि मुझे देती है कि इन व्यक्तियों के लिए मैं कुछ कर पाया। तो हाँ। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा अवार्ड अपने आप में है। वैसे शहर से निकल के जब भी गाँव का रुख करते हैं तो वो दिल को सुकून तो देता है। आपका अब कभी गाँव जाना होता है? जी निश्चित तौर पर, गाँव के अंदर जो है खुद के गांव भी जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी विभिन्न विभागों के अंदर जैसे हम रहते हैं तो मॉनिटरिंग के लिए या अन्य पर्पज से जाते हैं और कोशिश ये रहती है कि जो भी सुविधाएं जितनी अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दे पाएं वो हम दें, क्योंकि राजस्थान राज्य एक प्रधान तौर पे एक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का ही राज्य है। तो उसके अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हमारी योजना सफल तभी है तब जब वो ग्रामीण दूर से दूर के छिरे के सिरे के गाँव तक पहुँच सके, ना कि केवल शहर के लोगों को वो। और सर आपका जो जैसा कि नाम है अजय और वैसे उसी को आप सार्थक भी करते हैं, आपने जितने भी एग्जाम्स दिए, कंपटीशन एग्जाम दिए, सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए, आप सब में सक्सेस हुए। तो सर जो लोग, जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं हमारे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस चीज़ों का उनको ध्यान में रखना चाहिए और किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? राधिका जी, किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी हो, मैंने भी सिविल सर्विसेज का यूपीएससी में भी आईएएस अलाइड ग्रुप ए में मेरा सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे आरएएस में हुआ, तो किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक अनिश्चितता बनी रहती है। लेकिन तैयारी करते समय हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें फोकस्ड होकर तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा ध्येय हमको क्लियर होना चाहिए। सभी लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं इसलिए मैं चला जाऊं, नहीं, मुझे देखना चाहिए मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। हो सकता है मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकूं, बिजनेसमैन बन सकूं, तो सबसे पहले तो देखूं स्पोर्ट्स पर्सन बन सकूं। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारा क्या एप्टीट्यूड है और फिर हमको लगता है कि हम सिविल सर्विसेज में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ है, ये बहुत चैलेंजिंग भी है। ये बाहर से बहुत ही अच्छी और सुंदर लगती है लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे, आप अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत कुछ खो भी देते हैं लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन भी एक बहुत ही उच्च स्तर का मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि सबसे पहले तो अपने ध्येय का चयन ध्यानपूर्वक करें, उसके बाद बिल्कुल फोकस्ड होकर तैयारी करें। फोकस से मेरा मतलब है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, आप जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसी किताबों से, और एक स्तरीय तैयारी करें। केवल ये नहीं कि जी मैं कोई पतली सी किताब पढ़ लूँ या विकिपीडिया से इन्फॉर्मेशन ले लूँ, एक अच्छी स्तर की किताबें जो है ना उन पे आप फोकस करें और आप एक अपना दिनचर्या बना लें। आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि मेरे को 12 घंटे रोजाना पढ़ना है, चाहे कैसे भी पढ़ना है, चाहे आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं,
रात में पढ़ते हैं, लेकिन वो दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। और इस सब का तभी फायदा है जब आप लिखित अभ्यास अपना निरंतर करते रहे। बहुत से लोग हैं वो पढ़ते रहते हैं पूरे साल और पेपर में पहली बार जाके लिखते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है उसके अंदर। तो निरंतर लिखित अभ्यास तो करना ही चाहिए, उसको किसी से जचवाना भी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और किस चीज को ठीक तरीके से कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप कोई कोचिंग ही ज्वाइन करें, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर मैं कैसे लिख रहा हूं उसको मैं खुद देखूं बाद में और फिर किताब से कंपेयर करूं कि मैं कहां कहां छूट गया। और इसके लिए एक चीज वो बहुत आवश्यक है, वो है एनालिटिकल एबिलिटी। आपको जो क्वेश्चन मिला उस जो उसको केवल आपको फैक्ट्स नहीं डालने, उसको आपको एनालाइज करना है, उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है कि ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर है ये चीज पूछ रहा है इसके बारे में मैं ये तो जानकारी रखता हूँ और मेरा ये मानना है इसमें ऐसा ऐसा किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो उससे एग्जामिनर को पता चलता है कि ये अपने दिमाग को काम में लेके इसको एनालाइज भी कर रहे हैं। और रैशनल और एनालिटिकल एबिलिटी के और क्रिटिकल एबिलिटी के, उसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं किसी एंगल से, तो उसके नंबर मैं समझता हूँ एग्जामिनर ज्यादा देते हैं। जी 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 असवाल साहब, आप एक युवा चेहरा है और हमारा देश भी सबसे युवा देश है पूरे विश्व में, और हमारे देश का युवा बहुत आशान्वित निगाहों से देखता है कि क्या नया ऐसा है जो हम अपने मार्ग में उसको अपनाकर आगे बढ़ सकें। आप युवाओं के लिए क्या नया कुछ लेके आने वाले? प्रणय जी, बहुत ही अच्छे आपने बात की और ध्यान दिलाया कि हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको कहा जाता है। जी जी, कि भी हमारे जो अभी एज ग्रुप है भारत के अंदर वो इस तरीके के है कि अधिकांश युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, जो लंबे समय तक इकोनॉमी को बहुत कुछ दे सकते हैं। जी, जैसे चीन जैसा देश है तो उसमें एजिंग ज्यादा हो रही है, हमारे देश में यंगस्टर्स हैं और अगले 30-40 साल तक हमें इससे रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं और इस दिशा में हमें निश्चित तौर पे अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। जिस भी सेक्टर के अंदर मैं जाता हूँ, मेरी पोस्टिंग रहती है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि स्किल डेवलपमेंट युवाओं की जाए। युवाओं के अंदर एक जोश होता है, एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को आप नेगेटिव तरीफ भी लगवा सकते हैं और उस ऊर्जा को आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी लगवा सकते हैं। और अगर आप उसे शुरू से कंस्ट्रक्टिव तरीके से लगवाते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं, भी हेल्थ सेक्टर में हूं, अगर हमें अच्छी ट्रेनिंग जस्ट एंटर कर रहे हैं जो हमारे यहाँ लोग सर्विस के अंदर उनको देते हैं, तो वो आगे तक उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनका थ्रू आउट सर्विस रहता है। और अगर हम शुरू में ही उसको उस सांचे में नहीं डालते तो निश्चित तौर पे फिर पूरी जिंदगी वो एक संघर्ष रहता है। तो किसी भी सेक्टर के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं को शुरू से जोड़े और उनकी स्किल डेवलपमेंट करें और उनको ये मैसेज रहे कि आजीवन आपको अपनी जो ये जो प्रक्रिया है सीखने की इसको लगातार जारी रखना है, सीखते रहना है लेटेस्ट से लेटेस्ट, ताकि आपकी यूटिलिटी कभी आउटलिव नहीं हो। जी जी जी, आप जैसे ऊर्जावान विचारों के अधिकारी साथ रहेंगे तो निश्चित बात है कि देश का युवा है वो बहुत ऊर्जा लेकर आगे बढ़ेगा। असवाल साहब, बहुत आनंद आया आपसे बात करके सुप्रभात धरती धरी में, और तमाम शुभकामनाएं आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें जितनी परियोजनाएं आपके हिस्से में आए उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से सफलतम रूप में आगे तक पहुंचाएं। तो बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। सुप्रभात धरती धरी में आके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय जी, राधिका जी, और बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ आपने बुलाया इसके लिए हार्दिक धन्यवाद, और आपसे बहुत सारे पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ की चीजें शेयर की, और प्रयास यही रहता है कि अभी जो कर रहे हैं उससे अच्छा कर पाएं और एक पब्लिक लाइफ के अंदर मैसेज जाए कि जो पब्लिक लाइफ में हम लोग आए हैं वो लोगों के लिए अच्छा से अच्छा करने के लिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका। तो राधिका जी, अब चला जाए? जी, चलिए। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी सुप्रभात धरती धुरारी में। इजाजत दीजिए प्रणय भारद्वाज को, राधिका, और चलने से पहले मीठा सा लोक संगीत, और उसके बाद देश दुनिया की खबरों से मुलाकात करते हैं। हम फिर मिलेंगे।